नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय कुमार संथालिया, जो कि बिहार की जानी मानी डेंटिस्ट है। तो डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगर बात करें, आजकल दांतों में बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बढ़ी हैं, दांतों में अलग अलग चीज़ें लोग ट्राई भी कर रहे हैं, और ऐसे में दांतों में इम्प्लांट की जो समस्या है वो कुछ ज़्यादा ही चलन में देखने को मिल रही है। तो ये इम्प्लांट जो है कराया जा रहा है, ये है क्या? हाँ, सबसे पहले रिया आप ये जाने कि इम्प्लांट क्या है। पहले के समय किसी वजह से दांत नहीं रहता था, कोई एक दांत, दो दांत, पांच दांत, दस दांत, हाँ, या उसको उखाड़ना पड़ गया तो पहले के समय उस जगह निकालने लगाने वाला दांत बना दिया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ कम होती आई, समय के साथ वो चीज़ें बदलती गईं। उसके बाद जहाँ दांत नहीं है उस जगह पे हम लोग ब्रिजिंग शुरू कर दिया बगल वाले दांत के सपोर्ट से। अब जो नई पद्धति आई है उसको इम्प्लांट कहते हैं। जहाँ दांत नहीं है उस इम्प्लांट करने के पहले कुछ कंडीशंस हैं जो पूरा करना होता है, हम लोग करवाते हैं। उसके पहले हम लोग CBCT करवाते हैं उस जगह का, उस क्वाड्रेंट का, जिस क्वाड्रेंट में दांत बनाना है, इम्प्लांट करना है हमें, उसका CBCT करवाते हैं। CBCT कराने से हमें ये पता चलता है कि जिस जगह इम्प्लांट करना है उस जगह हड्डी की डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है, कितना, और उसी हिसाब से इम्प्लांट हम लोग वहाँ डालते हैं कि कितना mm का इम्प्लांट जा सकता है और इस पेशेंट में उस जगह इम्प्लांट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर लोग इम्प्लांट जो करवा रहे हैं, ऐसे में उनको पहले से जो तैयारी होती है, क्योंकि बहुत बार जो चीज़ें हैं दांतों को लेकर भी बहुत पहले से लोग प्रिपेयर रहते हैं, दवाइयाँ वगैरह, तो ऐसे में इम्प्लांट कराने से पहले भी किसी तरह की ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत होती है? नहीं, वैसे पेशेंट जो डायबिटिक हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, तो वैसे पेशेंट में, और जिनका गम्स अनहेल्दी है, सूजन है तो खून आ रहा है, तो वैसे पेशेंट में सबसे पहले हमने पहले भी बताया कि CBCT कराने के बाद हम लोग देखते हैं कि उस जगह जहां हम लोग को करना है वहां बोन कितना, वहां थिक है, कितना पकड़ है, और यदि लगता है कि अप्रोप्रिएट है तभी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हाँ, इम्प्लांट आप कीजिए। इम्प्लांट भी कई तरह के हैं, जैसे सिंगल सिटिंग इम्प्लांट होता है, इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट, पेशेंट आए, सब कुछ यदि ठीक है, पेशेंट के फेवरेबल कंडीशन है और पेशेंट तैयार है इम्प्लांट के लिए, तो इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट भी हम लोग करते हैं। और दूसरा मेथड है कि पेशेंट आया, हम लोग सब कुछ कराए, कंडीशन फेवरेबल है, तो पहले हम लोग उसमें इम्प्लांट डालते हैं, एक छोटा सा माइनर सर्जरी करना होता है उस जगह पे इम्प्लांट डालते हैं। उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं कि आप 6 से 8 वीक के बाद आप हमारे पास रिविजिट कीजिए मेरे क्लिनिक को। फिर वो पेशेंट 6 से 8 वीक के बाद आता है तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ हम लोगों ने इम्प्लांट लगाया है तो उसका हीलिंग कैप जो है वो प्रॉपर हील किया हुआ है कि नहीं, वो जगह प्रॉपरली हील है कि नहीं। हम लोग को लगता है कि वो जगह अच्छे से हील्ड है, भर गया है वो जगह, तो फिर उसको हम लोग फर्दर उस पर, उस जगह को, हीलिंग वाले पोर्शन को हटाकर फिर उस जगह हम लोग फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग उस पर दांत लगाते हैं। तो इसका फायदा ये है कि बगल के जो दांत हैं, जहाँ दांत नहीं है उसके बगल के बाएं और दाएं तरफ के जो दांत है उसको हम लोग छेड़ते नहीं हैं, तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है। तो डॉक्टर साहब, अगर ये दांतों की इम्प्लांट कराई गई है तो इसमें किसी तरह की परहेज करने की ज़रूरत है, जैसे कि मान लीजिए कि ब्रश करते समय या फिर खाना खाते समय? नहीं, वैसे परहेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत कड़ा चीज़ आप ना खाएं, ये हम लोग बताते हैं। क्योंकि उसके ऊपर जो हम लोग लगाते हैं क्राउन जो लगाते हैं उसके ऊपर, या ब्रिज जो लगाते हैं, तो वो कई अलग अलग तरह के मटेरियल का होता है। आजकल नया आ रहा है जिरकोनिया है, पहले सेरामिक का आता था, तो वो टूटने का डर रहता है। तो हम लोग ये जरूर पेशेंट को कहते हैं प्रिकॉशन वाइज कि आप बहुत कड़ा चीज़ इससे मत खाएं। तो कितने दिनों तक इससे जो है कड़ा चीज़ नहीं खा सकते? नहीं, वो सब दिन के लिए हम लोग ये परहेज सब दिन के लिए बोलते हैं कि आप नॉनवेज भी खाते हैं खाएं, लेकिन हड्डी को उससे तोड़ने की कोशिश ना करें। वैसा चीज़ जिसपे बहुत ज़्यादा दांतों पर जोर पड़े वैसा चीज़ अवॉइड करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इम्प्लांट के बारे में जानकारी साझा की कि इम्प्लांट होता क्या है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर संजय कुमार संथालिया को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि आजकल जो दांतों में इम्प्लांट की जो चलन बढ़ा है वो है क्या और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।